हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज़ एनग्रेव। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, और एसएससी हुआ, रेलवे, बैंक, तो ऐसे एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को इग्नोर ना करें, तो इस वीडियो को पूरी देखिए आप ठीक से। दोस्तों, ये पार्ट वन है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, इससे आपका क्यूक रिवीजन हो जाता है, और जो परीक्षाओं में पीछे के आए हुए क्वेश्चन होते हैं उनका भी आपको पता चल जाता है। तो ये 20-25 मिनट की वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी ऐसी वीडियो मैं बीच बीच में लाता रहूँगा, आप कमेंट में बता देना। अगर दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, तो इसे डाउनलोड करने के बाद सबसे ऊपर सर्च कीजिए एसएससी एनग्रेव। इसमें हमारा सबसे ऊपर चैनल दिखाई देगा और आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। इसमें दोस्तों जो भी हम वीडियो बनाते हैं उनके पीडीएफ आपको मिलेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती हैं उनके लिंक भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, तो इसे भी जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है हर समय पढ़ाई से जुड़े रहने के लिए। तो इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों, आपको इसमें काफ़ी सारे फ़ीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अपनी भाषा में पढ़ने का मौका मिल जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ये देखिए आगे, यहाँ पर आपको लाइव डाउट क्लास मिल जाती है, टेस्ट सीरीज चलती है। और दोस्तों, ये जो लाइव क्लास है ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें आप इंस्टेंट डाउट क्लियर कर सकते हो। इसमें टीचर एकदम लाइव आपके सामने होता है, जो भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक तो इसमें बिल्कुल ऐसा एहसास होता है जैसे कि आप एक ऑफलाइन कोचिंग पर बैठे हों, ऑफलाइन क्लास रूम में बैठे हों। तो इसमें क्योंकि हम इसमें एकदम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, जो भी हैं फेमस टीचर होते हैं पूरे इंडिया में, वो आपको सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि अभिनय सर हैं, पवन राव सर हैं, तो ये सब आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलने वाले हैं। अब आते हैं दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ प्लस। तो दोस्तों, इसमें सबसे जो बढ़िया बेनिफिट है वो ये पहला है। यहाँ पर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या है देखिए, एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। अब मान लीजिए आपने एसएससी का कोर्स ज्वाइन करा, उसमें आपको आप मैथ पढ़ रहे हैं और एक टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक आप दूसरे टीचर से क्लियर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इन्हीं टीचर से पढ़ना पड़ेगा जैसे ऑफलाइन में होता है। ऑफलाइन में आप एक बार कोचिंग ज्वाइन कर ले तो उन्हीं टीचर से पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप अपने मनपसंद के टीचर से पढ़ सकते हो। ये सबसे बढ़िया फ़ायदा है आपका इसमें। इसमें आपको काफ़ी टीचर्स मिलेंगे और सभी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मोबाइल में एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो एप्लीकेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी। इसमें दोस्तों, अगर आप एसएससी का कोर्स खरीदना चाहते हैं, एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग रेट में है टाइम के हिसाब से। अगर आप 12 मंथ का खरीदना चाहते हैं तो 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये आपको पड़ेगा 6000 रुपये का। यहीं पर अगर आप ये लॉजिक लाइव कोड यूज़ करते हो, LOGIC LIVE, अगर ये कोड यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद ये प्राइस पड़ेगा आपको 5400 रुपये का। दोस्तों, ये बहुत ही लो प्राइस है। अगर आप कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग करने जाओगे तो 5-6 महीने में आप लगभग 50-60 हज़ार रुपये उठा देते हो, और वही आपको फैकल्टी यहाँ पर मिलने वाली है अनअकैडमी पर, तो हम क्यों इतना खर्चा करें। इसमें दोस्तों कई फ़ायदे हैं। आप अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप इतना 50-60 हज़ार रुपये खर्च करना आपके लिए मुश्किल है, तो आप घर बैठे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो इस एप्लीकेशन के द्वारा, और बहुत सस्ते प्राइस में। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो इसमें अगर 12 मंथ का खरीदना चाहते हैं तो पहले वाले की तरह बिल्कुल लॉजिक लाइव कोड यूज़ करके आप 10% का डिस्काउंट यहाँ पर ले सकते हैं, और ये आपको प्राइस पड़ेगा 5400 रुपये का। इसी तरीके से अगर आप कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका प्लान थोड़ा लंबा होता है, 2 साल का प्लान होता है, तो वो 24 मंथ का खरीद सकते हैं। ये पड़ेगा पूरा 24 मंथ का 9600 रुपये का। यहीं पर अगर आप ये लॉजिक कोड अप्लाई करते हो तो ये आपको प्राइस पड़ जाता है 8640 रुपये का। तो काफ़ी सस्ते प्राइस में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। चलिए अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, और दोस्तों ये काफ़ी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि केवल CGL के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ये हर जगह आपको काम देगा, बिल्कुल भी आप इसे इग्नोर ना करें। छोटी सी वीडियो है, ये वीडियो पूरी देखिए आप, ठीक है दोस्तों। तो चलिए टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए 1 से 60 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा, उसके बाद ये 4 ऑप्शन हैं, तो मेरे आंसर देने से पहले आपको इन 4ों के बारे में सोचना है कि इनमें से क्या सही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट को।
पहला है देखिए, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं। तो ये तो देखिए 90% स्टूडेंट को मुझे लगता है पता ही होगा, ना भी पता होगा तो ये सोचिए, जो लोगो होता है, जो रिंग बने हुए होते हैं, उसमें कितने रिंग होते हैं, अपने दिमाग में सोचिए। ऐसा कुछ लोगो होता है इसका, तो इसमें कितने छल्ले हैं, पाँच। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी, पाँच छल्ले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर अपने दिमाग में सोचिए, यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे याद रखिए। अब नेक्स्ट है देखिए, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राजभाषाएँ किस अनुसूची में वर्णित हैं। सोचिए दोस्तों इसका भी आंसर क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुसूची 8। तो दोस्तों मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, 8। नवी सूची जोड़ी गई थी 51वें संविधान संशोधन में, जो पहला संविधान संशोधन था 51वां, उसमें जोड़ी गई थी नवी अनुसूची। इसे भी याद रखें। इस समय भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, और मूल संविधान में थी केवल 14 भाषाएं। इसमें कई बार भाषाएं जोड़ी गई, जैसे कि 1967 में, 1992 में और 2004 में। तो इसमें 2004 का जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2004 में चार भाषाएं जोड़ी गई थी, एक मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। इन चारों को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, इसे याद रखिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अनुसूची 8। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ। तो इसका सही आंसर बताइए, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं आपके सामने। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। और ये संशोधन कब हुआ था, 1976 में। तो इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में बहुत सारे परिवर्तन लाए गए थे, जिनमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है। डोगरी की भाषा के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ये कब जोड़ी गई थी, 2004 में 92वें संविधान संशोधन में। चार भाषाएं जोड़ी गई थी इसमें, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। तो इन्हें याद रखिए, जिसमें कि डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। इसका सही आंसर कौन सा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर प्रांत में। ठीक है, और भाषाओं के बारे में याद रखिए, कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची 8 में। शुरू में कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में, 14 भाषाएं थीं, अब कितनी हैं, 22 भाषाएं हो चुकी हैं। तो इन्हें याद रखिए सबको। अब छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। अब आप खुद सोचिए, अगर इसके बारे में आपने ना भी पढ़ा होगा ना, तब भी आप इसे बता सकते हो। तो मूल संविधान में इनमें से कौन सी भाषा रही होगी, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। जो शुरू में 14 भाषाएं थीं, उनमें अंग्रेजी भी थी, इसे याद रखिए। अंग्रेजी भाषा तो देखिए, जब से अंग्रेज आए तब से बहुत महत्वपूर्ण भाषा बन चुकी है एक तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है ये, ऑप्शन इसका बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123। तो अध्यादेश कब जारी करता है राष्ट्रपति, देखिए अगर देश में ऐसी स्थिति आती है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये बात एक आर्टिकल 123 में दी हुई है, याद रखिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, आर्टिकल 143। याद रखिए इसे, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, याद रखिए इसे। अब नेक्स्ट है नवा क्वेश्चन, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, ये भी सोचिए इसके बारे में, इसका सही आंसर क्या है।
तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। तो नागालैंड की राजभाषा जो है अंग्रेजी है, ऐसे याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल में। भोपाल कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, याद रखिए इसे। अब नेक्स्ट देखते हैं, 11वां क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, या फिर हिंदू और जैन जैन धर्म दोनों से? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंध है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, सही आंसर बताइए इसका। चार ऑप्शन है यहाँ पर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप ने, याद रखिए इसे भी। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों, सोचिए क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में। राजस्थान में एक सिरोही जिला है, इसमें दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है। देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे, कौन थे संस्थापक इसके? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय, याद रखिए इसे भी। नेक्स्ट है, रानीखेत बीमारी किस में पाई जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं यहाँ पर, इसका सही आंसर बताइए आप। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुर्गी में। ये विषाणु के कारण होती है, जो वायरस होते हैं उनके कारण होती है बीमारी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक डेथ किस बीमारी से संबंधित है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लेग से। देखिए, प्लेग को ही पहले ब्लैक डेथ कहते थे, तो ये पहले ब्लैक डेथ के रूप में लाखों व्यक्तियों की जान ले चुकी है ये बीमारी। और ये दोस्तों येरसीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से होती है, याद रखिए इसे। येरसीनिया पर लिख देता हूँ, येरसीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से होती है, और इस बीमारी से ये चूहे के पिस्सू द्वारा इंसानों में फैलती है, याद रखिए इसे दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक कैंसर जनित तंबाकू के धुएं में उपस्थित रहता है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंजोपायरिन। इसके कारण फेफड़ों में कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो अगर आपके आसपास या आपके फैमिली को इसका सेवन करता है तो बिल्कुल उसे मना करिए, बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों, नाइट्रोजन आवश्यक घटक होता है, नाइट्रोजन इनमें से किसका घटक होता है? प्रोटीन का। तो नाइट्रोजन किसका आवश्यक घटक होगा? प्रोटीन का, याद रखिए इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 19वां है, एंजाइम क्या है? तो बताइए दोस्तों क्या है एंजाइम? तो एंजाइम प्रोटीन ही है, सही आंसर इसका ऑप्शन ए है, प्रोटीन। देखिए, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, कुछ ही प्रोटीन एंजाइम होते हैं, तो इसे थोड़ा याद रखिए आप। नेक्स्ट है, 20वां क्वेश्चन है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यकृत। इसे इंग्लिश में हम लीवर कहते हैं, तो लीवर इससे प्रभावित होता है। देखिए, पीलिया में त्वचा जो स्किन होती है, स्किन और आँख पित्तवर्णक के जमा होने से पीले दिखाई देने लगते हैं, पित्तवर्णक। पित्तवर्णक को हम इंग्लिश में कहते हैं बाइल पिगमेंट, तो इसके कारण ये दोनों पीले दिखाई देने लगते हैं, और पीले दिखने के कारण ही हम इसका नाम रख दिया है पीलिया। तो इसे याद रखिए, इससे यकृत अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? चार ऑप्शन है आपके सामने, तो किसकी बनी होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लिपिड और प्रोटीन। देखिए, चार ऑप्शन में से केवल अगर लिपिड होगा तो वो उसका आंसर होगा। इसमें होता क्या है, देखिए, दो परत जो होती हैं, जो झिल्ली होती है उसमें दो परत जो होती हैं वो तो होती है प्रोटीन की, इसके बीच में एक परत होती है वो होती है लिपिड की। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, लिपिड और प्रोटीन। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 22वां क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन किन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है?
तो इनमें से किन कोशिकाओं द्वारा ये इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीटा कोशिकाओं द्वारा। बीटा ऐसे बनता है, तो बीटा कोशिकाओं द्वारा ये हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बताइए। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह को रोग को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, डायबिटीज़। तो अगर इंसुलिन की कमी है तो कौन सा रोग होगा, डायबिटीज़, मधुमेह। नेक्स्ट है टाइलिन नामक एंजाइम इसका मतलब स्रावित ये करता है। तो कौन सी ग्रंथि होती है जो टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित करता है? इन चार ऑप्शन में से बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से लार निकलती है और लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, याद रखिए। नेक्स्ट है भूख, प्यास, ताप, नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? जो आप में ये फीलिंग्स आती हैं तो ये मस्तिष्क के कौन से भाग से आती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। याद रखिए इसे, इसी भाग के कारण ये सब फीलिंग आती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 25वां क्वेश्चन है, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हृदय की कमजोरी के लिए। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, याद रखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसका यूज हृदय गति की जांच करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 26वां क्वेश्चन, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है नाइट्रेट, इसकी अधिकता के कारण ये वाली बीमारी हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 27वां है, दालें किसका अच्छा स्रोत हैं? दालों से इसमें से क्या ज़्यादा प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रोटीन। अगर प्रोटीन की कमी है आप में तो दालें खाइए। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? बताइए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ओंकोलॉजी। ठीक है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा के ऑनकोस, इससे ये शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा के। अब नेक्स्ट देखते हैं, मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? ये आपने पढ़ा होगा, तो कौन से वृक्ष से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिनकोना। दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिकी पेड़ है, इसकी छाल से ये कुनेन तैयार की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन के अति स्रावित, ये स्रावित, ये स्रावण एक ही मतलब है, से कौन सा रोग होता है? अगर इंसुलिन ज़्यादा निकलता है तो कौन सा रोग होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोग्लाइसीमिया। याद रखिए इसे, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा था, मधुमेह, और इसकी अधिकता के कारण कौन सा ये रोग होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, सब याद रखिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को हज़ार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या है। अगर आपने नक्शे में ठीक से देखा होगा तो इन चारों ऑप्शनों में से बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, नक्शे को दिमाग में लाइए। चलिए मैं आपको नक्शे से ही बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा भारत है, अगर आप इसके थोड़े से ऊपर बढ़ोगे, यहाँ पर देखिए ये यूनाइटेड किंगडम हुआ। अगर आप यहाँ पर जाएंगे ऊपर तो यहाँ पर आपको देखिए तीन देश दिखाई देंगे ये, ठीक है, एक नॉर्वे है, ये स्वीडन है और ये फिनलैंड है। तो फिनलैंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए ये जो ब्लू ब्लू कलर की हैं ये झीलें ही हैं। तो अगर आपने नक्शे में पहले देखा होगा तो खुद ही इनमें से पता लगा सकते हो, हज़ार झीलों का जो देश है वो किसे कहा जाता है, फिनलैंड को। चलिए अब हम क्वेश्चनों की ओर आते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी था, फिनलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है उर्दू? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, तुर्की भाषा का। नेक्स्ट देखते हैं, 33वां क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया? इसका सही आंसर बताइए क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इरेटोस्तनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 34वां, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, चार में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है तो ये कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हैदराबाद में।
छत्तीसवां क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। 37वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो देखिए, भारत कुछ ऐसे है, नीचे की साइड में, यहाँ पर ये गुजरात आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक राज्य है केरल, तो मानसून आता है इस तरीके से, मानसून आता है इस दिशा से, तो सबसे पहले कहाँ पर आ पड़ेगा ये? केरल पर। तो अगर आपने नक्शा ठीक से देखा होगा और आपको मानसून की दिशा का पता होगा तो बहुत आसानी से इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो कहाँ पर है? ऑप्शन डी, केरल में सबसे पहले आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति, मतलब इसकी उत्पत्ति मानसून शब्द की कहाँ से हुई है? सही आंसर बताइए इसका क्या है। ऑप्शन ए, अरबी भाषा के, ठीक है, अरबी भाषा में ही मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम आ चुके हैं 39वें क्वेश्चनों पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम। ये इन राज्यों की बात चल रही है, अगर पूरे भारत में सभी राज्यों की बात चल रही होती तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र हैं भौगोलिक दृष्टि से, वो किस में है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का आप याद रखिए, और इन चारों ऑप्शनों में है मिजोरम। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, सिलवासा राजधानी है, तो सिलवासा कहाँ की राजधानी है? ऑप्शन बी, दादरा एवं नगर हवेली की। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है? चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं आपके सामने, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। तो थारू जनजाति, देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में निवास करती है, और ये दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए 42वां है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है? बहुपति विवाह मतलब एक से ज़्यादा पति, तो कौन सी जनजाति मानती है इसे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टोडा। टोडा जनजाति मानती है, और ये नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। और दोस्तों, उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति भी बहुपति विवाह को मानती है। दोस्तों, 43वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य है? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसका सही आंसर बताइए क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट है 44वां, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, किसे जंगल की आग कहा जाता है? ऑप्शन सी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसका नाम आपने नहीं सुना होगा ये वाला नाम, लेकिन ये ढाक या पलाश के नाम से भी जाना जाता है। पलाश का जो फूल होता है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट है, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो अलमट्टी बांध किस नदी पर है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट देखते हैं, 46वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। तो देखिए, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, इसमें हम जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से किस दिशा में है ये? पूरब की साइड में, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, याद रखिए। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास है, ये तो पता ही है। अब इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। अब नेक्स्ट है, दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है, तो दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को। अब नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर ही 48वां, आर्टेजियन बेसिन किस देश में स्थित हैं? तो आर्टेजियन होता क्या है? तो पहले मैं इसका आपको आंसर देता हूँ, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑस्ट्रेलिया में। ये होता क्या आर्टेजियन? मान लीजिए, देखिए, ज़मीन की परत कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर कोई जगह है और वहाँ पर उसकी परत इस ढाल में है, तो यहाँ पर मिट्टी होगी, यहाँ पर इस सब में, इसके नीचे एक पानी की परत होगी। मान लीजिए यहाँ पर पानी की परत है, ये पानी की परत है, ठीक है। तो ये देखिए, इसका जो प्रेशर होगा पानी का, वो इस दिशा में होगा, यहाँ पर जो इस पानी का प्रेशर होगा वो यहाँ तक होगा, क्योंकि ये इस वाले पानी पर, इस ऊपर वाले पानी का प्रेशर है। तो इसे कहीं से भी अगर यहाँ से निकलने की जगह मिलेगी तो ये पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा ऊपर को। तो ये होता है आर्टिजियन, तो ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, इन देशों में से। अब नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए 49वां क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो किसे शामिल नहीं किया जाता है, इसका सही आंसर बताइए क्या है। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, सूडान को। नेक्स्ट है, वायु दाब सबसे कम होता है, तो कौन सी ऋतु में वायु दाब सबसे कम होता है? वायु दाब देखिए, जब वायु फैलती कब है, कब फैलती है? ग्रीष्म ऋतु में। सही आंसर क्या है? ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बताइए? ये स्थित है दोस्तों मनीला में। दोस्तों ये मनीला फिलीपींस की राजधानी है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ एक धोखा है? तो किसने कहा था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हृदयनाथ कुंजरू ने। नेक्स्ट देखते हैं अब, ये 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवासी क्षेत्र, मूल निवास क्षेत्र है? ठीक है, तो इन इस जाति का कौन सा मूल निवास क्षेत्र है तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में ये टोडा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट देखते हैं, 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित, ये पूरा लिखा हुआ, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टोडा, टोडा जनजाति मानती है। अब 55वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों थारू जनजाति। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर 56वां क्वेश्चन है, ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? तो किसके प्रभाव का खतरा है ताजमहल को? SO2 के प्रभाव का, जो संगमरमर जो है ताजमहल में, तो उसका कलर SO2 के कारण भद्दा सा हो जाता है, तो इसलिए इसका खतरा है वहाँ पर। अब 57वां क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 109 गुना। 58वां क्वेश्चन है, ये देखिए तीन क्वेश्चन बचे हैं, तो 58वां क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, कब होती है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम दूरी पर? 3 जनवरी को। ठीक है, ये 3 जनवरी को होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 59वां, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोल है बताइए दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर, किसने कहा था? अरस्तु ने। सही आंसर इसका अरस्तु है, अरस्तु ने ही कहा था कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का व्यास है, कितना व्यास है पृथ्वी का बताइए इसका आंसर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 12,756 किलोमीटर। इसे लगभग में आप 12,800 किलोमीटर कह सकते हैं, तो इतना व्यास है पृथ्वी का। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये 60 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अगर दोस्तों ये सीरीज़ आपको पसंद आती है तो मैं आगे भी ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर आप ज़रूर क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।